ऑल न्यू हुंडई i20 को इंडिया में काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला है। कुछ समय पहले ही न्यू हुंडई i20 ने 20,000 बुकिंग्स के मार्क को क्रॉस किया था। अब 20,000 बुकिंग्स मिलने के बाद इस कार को 25,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं। 2020 i20 को हुंडई ने 5 नवंबर को लॉन्च किया था। ऑलमोस्ट 1 मंथ में इस कार को 25,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। फेस्टिव सीजन के दौरान हुंडई ने i20 कार के 4,000 यूनिट्स को डिलीवर किया था। इस कार की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है और इसलिए इस कार की बुकिंग्स भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हुंडई i20 को बुक करने वाले ज्यादातर कस्टमर्स इसके स्पोर्ट्स या फिर उससे एवर वेरिएंट्स को चूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% कस्टमर्स ने इस कार के स्पोर्ट्स या फिर उससे एवर के ट्रिम को चूज किया है। न्यू i20 को हुंडई ने 6.79 लाख रुपीज के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। इसके बाद इस कार के टॉप मॉडल की कीमत 11.20 लाख रुपीज रखी गई थी। ऑल न्यू i20 अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा महंगी है, लेकिन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा महंगी होने के बावजूद इस कार को इंडिया में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। i20 हैचबैक कार हमेशा से ही हुंडई की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक रही है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हुंडई i20 फिलहाल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सेकंड पोजीशन पर लीड करती है। ऑल न्यू i20 के बुकिंग्स नंबर को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि यह कार आगे चलकर मारुति सुजुकी की बलेनो को सेल्स के मामले में टक्कर देने वाली है। फिलहाल मारुति सुजुकी की बलेनो सेल्स के मामले में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को लीड करती है। ऑल न्यू i20 को हुंडई ने खास तौर पर फेस्टिव सीजन से पहले ही लॉन्च किया था। इस कार को फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च करने का डिसीजन काफी सक्सेसफुल रहा है। ऑल न्यू i20 को फेस्टिव सीजन से लॉन्च करने से पहले इस कार को काफी बेहतरीन बुकिंग्स मिली हैं। काफी बेहतरीन बुकिंग्स मिलने के साथ नवंबर मंथ में इस कार के 4,000 मॉडल्स भी सेल हो चुके हैं। ऑल न्यू i20 में 4 वेरिएंट्स दिए गए हैं। ये वेरिएंट्स मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ओ वेरिएंट्स हैं। 5 अलग अलग इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन आपको न्यू i20 में देखने को मिलते हैं। तो ऑल न्यू i20 के इतने बेहतरीन बुकिंग्स नंबर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।